मैं अहमदास पलांगे, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का चौथा इकाई, जिसका नाम है आपका रासायनिक आवरण एवं आणविक संरचना। इससे पहले वाला जो क्लास था, उस क्लास में हम रासायनिक आवरण क्या है, रासायनिक आवरण जो होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है, ये हम लोग पढ़े थे। और मैं आपको बताया था कि रासायनिक जो आवरण है, उस आवरण को हम तीन भागों में यहाँ पर बांट के पढ़ते हैं, जिसमें एक मैंने आपको बताया था, पहला आयनिक आबंध या आयनिक बंध है ना, उसके बाद ससंयोजी बंध, और एक बताया था उपससंयोजी बंध। तो हम उन्हीं को आपको क्या करते जाना है, अब आगे डिटेल पढ़ते जाना है, जिसमें पहला जो हम बंध देखे थे वो था हमारा आयनिक, या इसी को बोलते हैं विद्युत संयोजी बंध। ठीक है, आप आयनिक बंध बोलेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो विद्युत ससंयोजी बंध बोलेंगे तो भी ठीक है। तो ये बंध होता क्या है, तो जो आयनिक बंध होता है या जो विद्युत ससंयोजी बंध होता है, वो आपका दो परमाणु के बीच या दो तत्वों के बीच जब इलेक्ट्रॉन के लेन और देन से बनता है या इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है, तो उस स्थिति में जो बंध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक बंध के नाम से जानते हैं। मतलब आयनिक बंध वह बंध होता है जो दो परमाणु के बीच या दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से बनता है। इलेक्ट्रॉनों के किससे बनता है, लेन देन से बनता है। मतलब एक परमाणु या एक तत्व इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरे परमाणु या दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है। तो उसके फलस्वरूप बनने वाला जो बंध होता है, उस बंध को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। और बना हुआ यौगिक को हम आयनिक यौगिक के नाम से जानते हैं या आयनिक यौगिक कहते हैं, जिसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो क्या लिखते हैं, पहले हम लोग आयनिक बंध लिखते हैं, आयनिक यौगिक अपने आप बन जाएगा। तो आयनिक बंध में है ना, आयनिक बंध वह बंध होता है, आयनिक बंध वह बंध है जो दो परमाणु के बीच अथवा दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों के लेन देन या इसी को हम लोग बोल सकते हैं स्थानांतरण से बनते हैं। तो यहाँ से हम बता सकते हैं आयनिक बंध क्या होता है भाई, तो आयनिक बंध वह बंध होता है जो दो परमाणु के मध्य या दो तत्वों के मध्य, दो परमाणु के मध्य अथवा दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों के किससे बनता है भाई, लेन देन से या स्थानांतरण से बनता है ना, इसे ही आयनिक बंध कहते हैं, बंध कहते हैं। और बना यौगिक आयनिक यौगिक कहलाता है, और बना यौगिक आयनिक यौगिक कहलाता है। तो यहाँ से आपको दो चीज़ देखने को मिल रहा है, पहला कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं और दूसरा आयनिक बंध किसे कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन करता है आयनिक बंध क्या है, तो आयनिक बंध वह बंध होता है जो दो परमाणु के बीच दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बनता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। मतलब एक तत्व इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर परमाणु में बोलेंगे तो एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और एक परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उनके लेन देन के फलरूप जो बंध बनता है, उस बंध को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बंध के नाम से जानते हैं, आयनिक बंध कहा जाता है। और आपको ये भी पता है कि कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों देता है या इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है, तो उसका पीछे कारण आप जानते हैं, 18वें समूह के जो तत्व होते हैं, जैसे हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टान है, जीनान है, रेडान है, तो इनके जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए
है ना, अपने अष्टक को क्या करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, बाकी जितने भी तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आपका देते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं लेते हैं, तो इनके जैसा बनने के लिए ही करते हैं भाई, है ना। और उसके फलस्वरूप कई प्रकार के बंध भी निर्मित होते हैं, जिनमें से एक बंध कौन सा बंध है हमारा, आयनिक बंध है, जो दो परमाणु के बीच या दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से बनता है, स्थानांतरण से बनता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आयनिक बंध क्या है या विद्युत संयोजी बंध क्या है, तो आप बता सकते हैं कि वह बंध जो दो परमाणुओं के बीच या दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन के लेन देन से या इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। और उस बंध के फलस्वरूप बना हुआ जो यौगिक होता है, भाई बंध बनेगा तो दो परमाणु जुड़ेगा या दो तत्व जुड़ेगा, तो ये अणु बनेगा या यौगिक बनेगा, तो बना यौगिक क्या कहलाता है आपका, आयनिक यौगिक कहलाता है। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, किसकी बात करें भाई, हम उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण में जैसे दिया है हमारा Na और एक दिया है हमारा Cl, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और कितना होता है हमारा 1 लिखा जाता है। क्लोरीन की अगर हम बात करें, तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और कितना लिखा जाता है भाई आपका, 1 लिखा जाता है, ठीक है। 2, 8 और कितना लिखते हैं हम लोग, 1 यहाँ है तो ये 7 होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो क्या दिख रहा है आपका, ये जो जो सोडियम दिख रहा है आपका, सोडियम की अगर हम बात करें, तो जो सोडियम है उनके अंतिम कक्षक में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंतिम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन को आर्गन के जैसे बनना है, क्योंकि आर्गन का कितना होता है हमारा, 18 होता है, मतलब 2, 8 और 8 होता है, इनके जैसा बनना है। और हमारा जो सोडियम है उनको किसके जैसा बनना है, नियान के जैसा बनना है, क्योंकि आर्गन के जैसा बनने के लिए बहुत जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होता है, क्योंकि इसका कितना होता है, 2 और 8 होता है। तो सोडियम को नियान के जैसा बनना है और क्लोरीन को आर्गन के जैसा बनना है, तो उस स्थिति में क्या करता है, इनके पास तो साझा करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन का अगर साझा करेगा तो उस स्थिति में तो फिर क्या हो जाएगा आपका, गड़बड़ हो जाएगा। करवा के देख लो, जैसे हमारा सोडियम है अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर साझा करता है एकाक इलेक्ट्रॉन का, तो एक का तो क्या हो जाता है, अष्टक पूर्ण हो जाता है, लेकिन दूसरा का अष्टक पूर्ण नहीं होता है, जो कि बहुत गड़बड़ वाली बात है। जैसे मान लो इस इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिए एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका तो 8 कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका क्या हो रहा है, हमारा 8 कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में यहाँ पर साझा नहीं कर सकता है। इस कारण से क्या करता है हमारा, चूँकि सोडियम के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के अंतिम कक्षक में आपका क्या है हमारा, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उस स्थिति में क्या करता है, ये जो सोडियम होता है अपने अंतिम का 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है हमारा, ये पूरा इस इलेक्ट्रॉन को पूरा किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पूरा किसको दे दिया, वो क्लोरीन को दे दिया, तो क्लोरीन के पास कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, और चूँकि ये पूरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इनके पास भी क्या हो जाता है, चूँकि ये 1 इलेक्ट्रॉन पूरा चला गया, तो इसके पास भी क्या होता है, अंतिम में 8 ही बचता है, अर्थात इनका कितना हो जाता है आपका, अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 8, और इनमें कितना हो जा रहा है, इनका भी हो जा रहा है 8। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे करके 8 को कंप्लीट कर रहा है और नियान जैसा विन्यास प्राप्त कर रहा है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने अंतिम में 8 को प्राप्त कर रहा है, अर्थात आर्गन के जैसा विन्यास प्राप्त कर रहा है। तो चूँकि यहाँ पर जो है दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन के लेन और देन से जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या बनता है, NaCl बनता है। NaCl कब बनता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच लेन देन के फलस्वरूप, इन दोनों के बीच लेन देन होता है, मतलब रिश्तेदारी बन जाता है, तो यहाँ पर जो बंध बनता है यही बंध क्या कहलाता है आपका, आयनिक बंध कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बंध, या इसी को बोलते हैं विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, विद्युत संयोजी बंध कहते हैं, ठीक है। तो दोनों आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ये बना यौगिक क्या कहलाता है हमारा, आयनिक यौगिक कहलाता है। मतलब सोडियम क्लोराइड कौन सा यौगिक है हमारा, आयनिक यौगिक है। और इस यौगिक में सोडियम और क्लोरीन के बीच पाए जाने वाला बंध क्या कहलाता है आपका, आयनिक बंध कहलाता है। तो इस तरीका से आयनिक बंध को या आयनिक यौगिक
रोगी को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है भाई। तो ये हो गया आयनिक बंध। अब ऐसा नहीं है कि केवल सोडियम क्लोराइड ही उदाहरण है, ऐसा बहुत सारा उदाहरण है जहाँ पर आपका आयनिक बंध होता है, ठीक है। आप पोटेशियम क्लोराइड को उदाहरण ले सकते हैं भाई, उदाहरण में बात करें तो इसी वर्ग के तत्व है पोटेशियम क्लोराइड, इसमें भी सेम टू सेम बनेगा हमारा क्लोरीन। पोटेशियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर बनने वाला बंध भी क्या होगा, आयनिक बंध होगा। और भी हम देखें तो मैग्नीशियम क्लोराइड ले सकते हैं MgCl2, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन देगा, ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बन रहा है, ये भी हमारा आयनिक यौगिक होता है। तो लगभग पहले समूह के तत्व और दूसरे समूह के तत्व और अंतिम में 16 और 17वें समूह के जो तत्व होते हैं उनके मध्य ये आयनिक बंध आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। तो इस तरीका से आयनिक बंध को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, जो है आपका लिखा जा सकता है भाई। तो मेरे ख्याल से आयनिक बंध आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे की ओर क्या करते हैं, चलते हैं और देखते हैं कि आयनिक जो बंध है या आयनिक जो यौगिक हैं, है ना, उनको कौन कौन से कारक हैं जो क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, उसको हम क्या करने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं। तो आगे हमारा दिया है वो है आयनिक यौगिक या आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक। ये बंध है भाई, यहाँ पर बंध लिख लेना, ठीक है। तो आयनिक बंध को क्या करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक, है ना, कौन कौन से कारक है जो आयनिक बंध को क्या करता है, प्रभावित करता है, उसको हम क्या करते जाते हैं, आगे देखते जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ कारक दिया गया है, आयनिक बंध क्या होता है आप समझ गए, आयनिक यौगिक क्या होता है ये भी आप समझ गए। तो आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर पहला कारक दिया है परमाणुओं की ऋण विद्युतता में अंतर। परमाणुओं की ऋण विद्युतता में अंतर, ऋण विद्युतता क्या होता है आप पढ़ चुके हो, ठीक है। साझे इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी परमाणु द्वारा अपनी ओर खींचना क्या कहलाता है, ऋण विद्युतता कहलाता है, ये पढ़ चुके हो, ये पहले क्लास में है ना। तो पहला हमारा कारक है परमाणुओं के ऋण विद्युतता में अंतर। तो परमाणु के ऋण विद्युतता में, परमाणु बोल रहे हैं मतलब एक से अधिक परमाणु की बात कर रहे हैं, तो यदि परमाणुओं के ऋण विद्युतता में जितना ज़्यादा क्या होगा, अंतर होगा, उतना ही अच्छा से क्या बनेगा आपका, आयनिक बंध बनता है। तो लिख सकते हैं, है ना, परमाणुओं के ऋण विद्युतता में जितना अधिक अंतर होगा आयनिक बंध उतना सुगमता से बनता है या बनेगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि यदि दो परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणता में जितना क्या होगा आपका, ज़्यादा अंतर होगा, उतना ही आसानी से उनके बीच कौन सा बंध बनेगा भाई, आयनिक बंध बनेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम सोडियम क्लोराइड को ही यहाँ पर ले लेते हैं भाई। सोडियम जो क्लोराइड होता है इसमें क्लोरीन की विद्युत ऋणता बहुत ज़्यादा होता है और सोडियम की विद्युत ऋणता बहुत क्या होता है, कम होता है, इसलिए यहाँ पर जो है बनने वाला बंध कौन सा होता है हमारा, आयनिक बंध होता है। तो यदि दो परमाणुओं के बीच अगर विद्युत ऋणता में जितना क्या होता है, ज़्यादा अंतर होता है, वह उतना ही आसानी से क्या बनाता है हमारा, आयनिक बंध का क्या करता है, निर्माण करता है, आयनिक यौगिक का क्या करता है, निर्माण कर सकता है। ये पहला जो हमारा कारक है उसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है भाई। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट, आयनन एंथैल्पी भी आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही आपका आयनन एंथैल्पी कहलाता है। और जिनकी आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, जितना कम होता है, वो उतना ही आसानी से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्या करता है, धन आयन बनाता है। और जब तक धन आयन नहीं बनता है तब तक जो है आयनिक बंध फिलहाल नहीं बनता है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं जिन परमाणुओं की आयनन एंथैल्पी जितना
जीतना क्या होता है हमारा, कम होता है, कम होता है, वह उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग कर सकता है, त्याग करता है और क्या बनाता है भाई हमारा, धनायन बनाता है और धनायन बनेगा तभी आयनिक बंध क्या हो सकता है आपका, बन सकता है। तो जिन जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी जितना क्या होता है, कम होता है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है और धन आयन का निर्माण करता है और आयनिक बंध बनाने के लिए धन आयन का बनना बहुत क्या होता है, जरूरी रहता है ना। और इसमें अगर हम बात करें तो वर्ग एक का और वर्ग जो दो का तत्व होता है उनका आयनन एंथैल्पी बहुत क्या होता है, कम होता है। किसका किसका भाई हमारा, वर्ग एक का हम बात करें जिसमें आपका हलीना के रब से फरियाद को ले सकते हैं, हलीना के रब से फरियाद, और वर्ग दो की बात करें, ये तो वर्ग एक का हो गया, वर्ग दो की बात करें तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप है ना, ये बीए होता है तो बाप राजी, तो ये हमारा क्या होता है, ये वर्ग एक और वर्ग दो के जो तत्व होते हैं इनकी आयनन एंथैल्पी जो होता है, आयनन जो क्या है हमारा एंथैल्पी है, ये बहुत क्या होता है आपका, कम होता है और कम होने के कारण ये कौन सा आयन बनाता है भाई, धन आयन का क्या करता है, निर्माण करता है, धन आयन निर्मित करता है। तो इस तरीका से आयनन एंथैल्पी को क्या किया जा सकता है, यहाँ से समझाया जा सकता है। तो आयनन एंथैल्पी में बस इतना ही रखना है ना। और आयनन एंथैल्पी होगा तो धनात्मकता होगा, और धनात्मकता होगा तो किसी भी ऋण के साथ आसानी से क्या करेगा, वो जुड़ जाएगा और फिर आयनिक बंध बना लेगा। ये हमारा कितना पॉइंट हो गया, हमारा दो पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ये भी आप इससे पहले लेसन में पढ़ चुके हैं, किसी परमाणु द्वारा किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होता है वो इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या कहलाता है आपका, एंथैल्पी कहलाता है। तो जिस परमाणु का इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जितना क्या होता है हमारा, ज़्यादा होता है, वह क्या करता है आपका, या हम बोल सकते हैं कि जिन परमाणुओं का हम बोल सकते हैं आयनन एंथैल्पी का मान है ना, या ये बोल सकते हैं कि वे परमाणु जिनका आकार क्या होता है आपका, छोटा होता है, वो आसानी से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है आपका, ग्रहण करता है और ग्रहण करके क्या करता है, वो ऋण आयन का क्या करता है आपका, निर्माण करता है। तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी लब्धि एंथैल्पी की बात करें तो जो भी परमाणु होता है, जिन परमाणु का आकार क्या होता है आपका, छोटा होता है, जिसका नाभिकीय आवेश क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है और ग्रहण करके ऋण आयन का क्या करता है आपका, निर्माण करता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं जिन परमाणुओं का नाभिकीय आवेश जितना अधिक होता है वह उतना ही आसानी से दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन है ना ग्रहण करता है और ऋण आयन का क्या करता है आपका, निर्माण करता है, ऋण आयन का क्या करता है भाई हमारा, निर्माण करता है। तो इस तरीका से बोल सकते हैं कि जिन परमाणुओं का नाभिकीय आवेश ज़्यादा होता है वह उतना ही आसानी से क्या करते हैं, दूसरे जो परमाणु होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऋण आयन का क्या करता है, निर्माण करता है। और ऋण आयन ज़्यादा होगा या धन आयन भी ज़्यादा होगा तो आसानी से फिर आयनिक बंध का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो दोनों को अलग अलग पढ़ा जाता है। आयनन एंथैल्पी क्या होगा, कम होगा तो धनात्मकता ज़्यादा होगा, और अगर नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा तो उस स्थिति में विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होगा आपका,
या क्या बोल सकते हैं, आपका ज़्यादा होगा तो ऋणात्मकता ज़्यादा होगा, और ऋणात्मकता और ज़्यादा होगा और धनात्मकता ज़्यादा होगा तो आसानी से वो क्या करेगा, बंध का क्या करेगा, निर्माण करेगा। अगर रेक्टान लब्धि एंथैल्पी की बात करें तो ये आपका वर्ग में बात करें तो वर्ग 16, जिसमें आपका ऑक्सीजन है ना, उसके बाद सल्फर, सेलोनियम, टेलूरियम है ना, और पोलोनियम ये आता है हमारा, और 17 में हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टिटीन आता है। तो इन तत्वों का इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है, और ये फिर हमारे वर्ग एक के और वर्ग दो के तत्वों के साथ आसानी से क्या करता है आपका, जिनकी आपका आयनन एंथैल्पी कम होता है, धनात्मकता ज़्यादा होता है, उनके साथ क्या करता है, ये बंध बनाता है, और वह बंध कैसा होता है आपका, आयनिक बंध होता है। तो इस तरीका से इस पॉइंट को भी क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्या है, जालक ऊर्जा है। जालक ऊर्जा क्या होता है आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। जालक ऊर्जा मतलब होता है कि जब क्या करता है, कोई भी दो परमाणु, अगर हम आयनिक यौगिक की बात करते हैं तो आयनिक यौगिक जो होता है वो दो परमाणु के या दो तत्वों के आपस में क्या होता है, मिलने से बनता है। तो यदि कोई आयनिक यौगिक बनता है ना, जिन परमाणुओं से वो क्या होता है, मिलकर बनता है, तो जब वो दो परमाणु के मिलने से आयनिक यौगिक का निर्माण होता है तो उस स्थिति में कुछ ऊर्जा क्या होता है हमारा, मुक्त होता है, और ये ऊर्जा ही आपका क्या कहलाता है, आपका जालक ऊर्जा कहलाता है, जालक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, या जालक ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर जालक ऊर्जा का मतलब यही होता है कि जालक ऊर्जा क्या होता है, तो जालक ऊर्जा हम बोल सकते हैं किन्हीं भी आयनिक यौगिक के जो है उनके अवयवी कणों से निर्माण के दौरान जो ऊर्जा क्या होता है आपका, मुक्त होता है, वो आपका क्या कहलाता है, आपका जालक ऊर्जा कहलाता है। और ये बोल सकते हैं कि जालक ऊर्जा का मान जितना ज़्यादा होता है, हम बोल सकते हैं आयनिक यौगिक उतना ही क्या होता है, आसानी से क्या हो जाता है आपका, बन जाता है, या आयनिक यौगिक वहाँ पर क्या होता है आपका, बनता है। तो सामान्य परिभाषा यही है कि कोई भी क्रिस्टल जब बनता है उनके आयनों से, तो उस दौरान ऊर्जा क्या होता है आपका, मुक्त होता है, और ऊर्जा मुक्त होता है तो उस स्थिति में आपका जो है वो जालक ऊर्जा कहलाता है। और जालक ऊर्जा का मान जितना ज़्यादा होता है, बनने वाला जो बंध होता है वो क्या होता है आपका, आयनिक बंध होता है। तो इसको इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो जालक ऊर्जा क्या होता है भाई, तो किसी आयनिक यौगिक का, किसी आयनिक यौगिक का, आयनिक यौगिक का उनके अवयवी आयनों से बनने पर मुक्त बनने पर मुक्त ऊर्जा को क्या कहते हैं हम लोग, जालक ऊर्जा कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। इसे यू या माइनस यू से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं भाई हमारा, माइनस यू से दर्शाते हैं। तो क्या बोल रहा है, किसी भी आयनिक यौगिक है ना, किसी आयनिक यौगिक का उनके अवयवी आयनों से बनने पर, कोई आयनिक यौगिक जो है किससे बन रहा है, उनके अवयवी आयनों से बनने पर मुक्त ऊर्जा क्या कहलाता है आपका, जालक ऊर्जा कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि उदाहरण की हम अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है आपका, जैसे Na प्लस दिया है हमारा, और Cl क्या दिया है आपका, माइनस दिया है। तो इनको जब आपस में क्या कर देते हैं हम लोग, मिला देते हैं, तो ये क्या बनता है आपका, NaCl बनता है। NaCl कैसा होता है हमारा, ये आयनिक यौगिक होता है। कैसा यौगिक होता है भाई, आयनिक यौगिक होता है। और आयनिक यौगिक किससे बन रहा है, उनके आयनों से बन रहा है। ये हमारा सोडियम आयन है और ये हमारा क्या है, क्लोरीन आयन है। तो आयनिक यौगिक का उनके आयनों से बनने पर, आयनिक यौगिक का उनके अवयवी आयनों से बनने पर, मतलब आयनिक यौगिक जब उनके आयनों से बनता है तो उस दौरान कुछ क्या होता है आपका, ऊर्जा आपका क्या होता है आपका, मुक्त होता है। और ये जो ऊर्जा होता है, यही ऊर्जा आपका क्या कहलाता है आपका,
जालक क्या कहलाता है आपका, ऊर्जा के नाम से क्या किया जाता है इसको जाना जाता है, जालक ऊर्जा कहते हैं। और हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जालक ऊर्जा का मान जितना क्या होता है, ज़्यादा होता है। जालक ऊर्जा का मान जितना क्या होता है, ज़्यादा होता है। आयनिक यौगिक उतना ही क्या होता है, आसानी से बनता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर जालक ऊर्जा का मान, जालक ऊर्जा का मान जितना क्या होता है हमारा, अधिक होता है। जितना जितना अधिक होता है, अधिक होता है, होता है आयनिक बन जो है उतना ही आसानी से होता बनता है ना। जितना अधिक होता है, होता है, उतना आसानी से आपका आयनिक बन बनता है। तो जालक ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा है ना, आयनिक बन उतना ही आसानी से बनता है। आयनिक बन है ना उतनी ही क्या होता है, आसानी से बनता है, उतना ही आसानी से बनता है, आसानी से बनता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, पढ़ा जा सकता है इसको, इस प्रकार से लिखा जा सकता है भाई। तो ये हो गया हमारा जालक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा क्या होता है, तो किसी आयनिक यौगिक को उनके अवयवी आयनों से बनने पर जो भी मुक्त ऊर्जा होता है वो जालक ऊर्जा कहलाता है। और जालक ऊर्जा का मान अगर ज़्यादा होता है तो आयनिक यौगिक बनता है, और जालक ऊर्जा का मान अगर कम होता है तो उस स्थिति में वह आयनिक यौगिक नहीं बनता है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में भाई, हमारा जालक ऊर्जा के बारे में। चलिए और भी यहाँ पर कुछ कुछ दिया गया है, और वो है जालक ऊर्जा जो होता है, ये जालक ऊर्जा निम्न कारकों पर क्या करता है आपका, निर्भर करता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जालक ऊर्जा जो दिया है वो कुछ कारकों पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो उन कारक को यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से आपका पहला कारक यहाँ पर दिया गया है, और वो कारक आपका दिया है आपका आयनों का आकार, और दूसरा दिया है हमारा आयनों पर क्या दिया है हमारा, आवेश। तो ये जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक हैं, या जालक ऊर्जा को कौन कौन से कारक प्रभावित करता है वो दिया गया है। तो आयनों का आकार, यहाँ पर अगर हम बात करें, यदि आयनों का आकार जितना छोटा होता है, ठीक है, आयनों का जो आकार है, आयनों का जो क्या है हमारा आकार है, छोटा होने पर है ना, आयनों का आकार छोटा होने पर नाभिकीय आवेश क्या होता है भाई, ज़्यादा होता है। नाभिकीय आवेश क्या होता है हमारा, अधिक होता है, अधिक होता है। और तो यहाँ पर हम क्या है, आयनों का आकार जितना क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है, या आयनों का आकार छोटा होता है तो नाभिकीय आवेश क्या होता है आपका, अधिक होता है। और उस स्थिति में जालक ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है। नाभिकीय आवेश अधिक होता है, है ना, तो जालक ऊर्जा का मान क्या होता है आपका, अधिक होता है, अधिक होता है। तो इस तरीका से इसमें लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम क्या करते हैं, अगर बात करते हैं, तो उदाहरण में जैसे हम बोल सकते हैं Na, अगर हम Cl की बात करें और हम बात करते हैं KCl का, तो इसमें सोडियम क्लोराइड का जो क्या होता है आपका, जो जालक ऊर्जा होता है वो आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है। लगभग इसका मान अगर हम देखें तो 769 पॉइंट कुछ हमारा क्या हो सकता है यहाँ पर किलो जूल क्या होता है इसका आयनन ऊर्जा होता है। बट हम पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पर जो जालक ऊर्जा का मान होता है, किसका मान, जालक ऊर्जा का, यहाँ पर ही हम बात करते हैं तो जालक ऊर्जा का मान की बात करें तो यहाँ पर लगभग 698 आपका किलो जूल के मध्य क्या होता है इसका जालक ऊर्जा होता है। वजह ये होता है कि यहाँ पर क्या होता है, जो सोडियम होता है वो हमारे आवर्त सारणी में पहले आता है और पोटेशियम क्या आता है, बाद में आता है। तो यहाँ पर नाभिकीय जो आवेश होता है सोडियम में वो ज़्यादा होता है और पोटेशियम में क्या होता है, कम होता है। तो जिनमें नाभिकीय आवेश या आकार छोटा होने के कारण देखा जाए, तो आकार छोटा होगा तो नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा, अंतर नाभिकीय जो दूरी होगा वो कम होगा, मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम होगा, तो उस स्थिति में जालक ऊर्जा क्या हो जाता है आपका, ज़्यादा होता है। और जिसमें नाभिकीय आवेश कम होता है वहाँ पर जालक ऊर्जा का मान कम होता है। तो ये पहला आपका जालक ऊर्जा के जो प्रभाव प्रभावित करने वाला है उसको यहाँ पर रखा जा सकता है। दूसरा है हमारा आयनों पर आवेश। तो आयनों पर आवेश जितना अधिक होता है, आयनों पर आवेश जितना क्या होता है आपका, अधिक होता है, जितना क्या होता है भाई, अधिक होता है,
अधिक होता है, जालक ऊर्जा का मान उतना क्या होता है आपका, अधिक होता है। जालक ऊर्जा का मान उतना क्या होता है हमारा, अधिक होता है। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि अगर आयनों का मान या आयनों पर आवेश जितना क्या होता है ज़्यादा होता है, वो आपका क्या होता है, जालक ऊर्जा का मान उतना ही क्या होता है आपका, अधिक होता है। तो इस तरीका से जालक ऊर्जा के अंतर्गत ये रखा जा सकता है। क्वेश्चन पूछता है जालक ऊर्जा क्या है ऐसे करके, तो आप बता सकते हैं जालक ऊर्जा क्या होता है। तो कोई भी आयनिक यौगिक होता है जब उन आयनिक यौगिकों को, जब उन आयनिक यौगिकों को उनके अवयवी तत्वों से या उनके अवयवी आयनों से जब बनाया जाता है, तो बनने के फलस्वरूप क्या होता है, कुछ ऊर्जा निकलता है, वो ऊर्जा आपका क्या कहलाता है, जालक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीका से ये हो गया कुछ प्रभावित करने वाले कारक। किसको प्रभावित करने वाले कारक भाई, तो आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए अब आगे की ओर हम क्या करते हैं, चलते हैं और आगे के कुछ टॉपिक है उसको देखते हैं। आगे का टॉपिक है विद्युत संयोजी यौगिक के हमको क्या देखना है, गुण देखना है, है ना। विद्युत संयोजी यौगिक को ही हम क्या बोलते हैं भाई, आयनिक यौगिक के नाम से भी जानते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक के नाम से क्या करते हैं, आप जानते हैं। तो जो आयनिक यौगिक होता है या विद्युत संयोजी यौगिक होता है उसके क्या क्या गुण होता है उसको हमको देखना है। आयनिक यौगिक बोले तो भी वही है, आयनिक बंध बोले तो ही तभी वही है, क्योंकि आयनिक बंध होगा या आयनिक यौगिक होगा तो आयनिक बंध होगा, और आयनिक बंध होगा तो आयनिक यौगिक होगा, क्योंकि बंध बनेगा तो यौगिक बनेगा या यौगिक बनेगा तो बंध बनेगा, ठीक है, जिसको मैं उधर बता चुका हूँ। तो हमारा टॉपिक क्या है, आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक के गुण क्या क्या हैं उनको देखना है। तो सबसे पहले तो आयनिक यौगिक क्या होता है भाई, तो वे यौगिक जो दो परमाणुओं के, दो तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से बनते हैं, वही क्या कहलाता है आपका, विद्युत संयोजी यौगिक कहलाता है। तो अगर आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं विद्युत संयोजी यौगिक, विद्युत संयोजी क्या देखेंगे, यौगिक या आयनिक यौगिक क्या है, तो लिख सकते हैं वह यौगिक जो दो, है ना, तत्वों के बीच, दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या इसी को हम बोल सकते हैं लेन देन से क्या करते हैं, हमारे बनते हैं क्या कहलाते हैं भाई, आयनिक यौगिक कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो इस तरीका से आयनिक यौगिक हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आयनिक यौगिक क्या होता है, तो आयनिक यौगिक वह यौगिक होता है जो दो तत्व या दो से अधिक तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों के क्या होते हैं, लेन देन या स्थानांतरण से बनते हैं, वही क्या कहलाते हैं आपके, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। और यहाँ पर कुछ आयनिक यौगिक जैसे उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण तो आप ले ही सकते हैं भाई, नमक हो गया, है ना, KCl हो गया, MgCl2 हो गया, है ना, AlCl3 हो गया, तो ये सब आयनिक यौगिक होते हैं, और भी बहुत सारे आयनिक यौगिक हैं। तो इन्हीं यौगिक के क्या क्या गुण होते हैं उनको हमको क्या करना है भी जानना है, जिसमें पहला गुण दिया है आपका भौतिक अवस्था। पहला क्या है आपका, भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में क्या होता है भाई, भौतिक तीन ही अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो अगर हम आयनिक यौगिक की बात करें तो आयनिक यौगिक क्या होता है आपका, ठोस अवस्था में क्या होता है आपका, पाया जाता है या ठोस अवस्था में होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं आयनिक यौगिक क्या होता है हमारा, आयनिक यौगिक जो यौगिक है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, क्योंकि इनके आयनों के मध्य प्रबल विद्युत या स्थिर विद्युत आकर्षण पाया जाता है, प्रबल स्थिर
वैद्युत आकर्षण आकर्षण बल क्या किया जाता है भाई, पाया जाता है। तो इस तरीक़े से हम पहला बात इसका जो गुण है उसमें पहला गुण ये है भौतिक अवस्था। तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो आयनिक यौगिक सब के सब क्या होते हैं आपके ठोस अवस्था में क्या होते हैं पाए जाते हैं। किस अवस्था में होते हैं भाई, ठोस अवस्था में होते हैं या ठोस क्रिस्टली अवस्था में क्या होते हैं पाए जाते हैं। और इनके कारण ये होते हैं कि इनके आयनों के बीच है ना प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण क्या होते हैं पाए जाते हैं, इसलिए क्या होते हैं आपके ठोस अवस्था में होते हैं। और आयनिक यौगिक में कोई भी आयन कई विपरीत आयनों से क्या होते हैं घिरे रहते हैं। चाहेंगे तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है कि आयनिक ठोस में आयन है ना आयन विपरीत आयनों से क्या होते हैं हमारे घिरे रहते हैं। आयन क्या होते हैं हमारे विपरीत आयनों से क्या होते हैं भाई घिरे रहते हैं। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण में क्या होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में अगर मैं बात करूं, ये जो सोडियम आयन होते हैं ये सोडियम आयन चारों तरफ से छह क्लोरीन आयन से देखो क्लोरीन आयन तो ये हमारा छह क्लोरीन आयन से घिरा रहता है। उसी प्रकार क्लोरीन आयन की बात करें तो ये आपका छह सोडियम आयन से क्या रहता है आपका घिरा रहता है। तो Na+, 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 Na+ और Na+। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर छह सोडियम छह क्लोरीन से और छह क्लोरीन छह सोडियम आयन से घिरा रहता है। तो इस प्रकार से पहला जो भौतिक अवस्था है उसको क्या किया जा सकता है बताया जा सकता है। इतना ही लिखना है और इसमें कुछ लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलिए अब दूसरे गुण के पास हम क्या करते हैं पहुँचते हैं। दूसरा गुण दिया है आपका उच्च गलनांक तथा क्वथनांक। वैसे गलनांक क्वथनांक क्या होता है आपको पता है, गलनांक का मतलब होता है आपका पिघलना। गलनांक बराबर क्या होता है आपका पिघलना। जब कोई वस्तु क्या होता है जिस ताप पर वो पिघलना स्टार्ट करता है वही क्या कहलाता है आपका गलनांक कहलाता है। और क्वथनांक की बात करूं अगर मैं तो जो क्वथनांक होता है इस क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। कोई चीज़ क्या करता है जब उबलता है जैसे पानी उबलता है तो वो उसका क्या होता है क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, तो वैसे होता है उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक। तो हमारे जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है आपका उच्च होता है। तो उसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं कैसे, तो आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है आपका उच्च होता है। क्वथनांक क्या होता है हमारा उच्च होता है। तो फिलहाल तो इतना आप लिख सकते हैं कि आयनिक यौगिक का गलनांक क्वथनांक क्या होता है आपका उच्च होता है। वजह ये होता है कि इनके जो परमाणु हैं या इनके जो आयन होता है वो प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा भरा बंधा होता है। आयनिक यौगिक गलनांक क्वथनांक क्या होता है उच्च होता है क्योंकि आयनिक यौगिक में है ना परमाणु आपस में प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा आपस में एक दूसरे के साथ बंधा होता है। इस कारण आयनिक यौगिक का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक क्वथनांक क्या होता है भाई हमारा उच्च होता है। क्वेश्चन आता है, मान लो क्वेश्चन आ गया, कैसा क्वेश्चन आ गया,
कि क्या कारण है कि आयनिक यौगिक के गलनांक पथनांक क्या होता है आपका उच्च होता है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या कारण है कि आयनिक यौगिक का गलनांक पथनांक क्या होता है आपका उच्च होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आयनिक यौगिक का गलनांक पथनांक इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उनके परमाणु एक दूसरे के साथ प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा क्या होता है, बंधा होता है, और जिसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की क्या होता है आवश्यकता होता है। यही वजह है कि उनका गलनांक पथनांक क्या होता है आपका उच्च होता है। तो ये लिखे हम लोग आयनिक यौगिक गलनांक पथनांक उच्च होता है क्योंकि आयनिक यौगिक के परमाणु आपस में प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा क्या होता है एक दूसरे से बंधा होता है ना। और इसको चाहेंगे तो सुधारना चाहेंगे तो यहीं से क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। बंधा होता है जिस बंध को तोड़ने के लिए, ठीक है, जिस बंध को क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए है ना, तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है, किसकी आवश्यकता होता है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है, आवश्यकता होता है इसलिए इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक क्वथनांक क्या होता है भाई, उच्च होता है। तो इस तरीका से हम दूसरा जो भी गुण है उसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। जैसे उदाहरण में आप कई प्रकार के उदाहरण इसमें क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, जिनके गलनांक पथनांक क्या होता है आपका उच्च होता है। तो आप सोडियम क्लोराइड ही उदाहरण में ले सकते हैं, दूसरा पोटाशियम क्लोराइड उदाहरण में ले सकते हैं, तीसरा आप लिथियम क्लोराइड उदाहरण में ले सकते हैं, है ना, चौथा मैग्नीशियम क्लोराइड उदाहरण में ले सकते हैं। तो ये सब हमारे आयनिक यौगिक होते हैं और इनके गलनांक पथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। वजह ये होते हैं कि इनके परमाणु या इनके आयन एक दूसरे के साथ प्रबल आकर्षण बल से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, और उस बंध को तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि हमारा जो आप बोल सकते हैं आयनिक यौगिक का गलनांक पथनांक उच्च होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है क्यों के रूप में, है ना, तो उसको आपको ध्यान में रखना है भाई। चलिए नेक्स्ट नंबर का गुण हम देखते हैं, अदैशिक बंध। इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि हमारा आयनिक यौगिक एक क्रिस्टली ठोस के अंतर्गत आता है और क्रिस्टली जो भी ठोस होते हैं वो अदैशिक प्रकृति को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये आप बारहवीं में और अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आयनिक यौगिक कैसा होता है, क्रिस्टली ठोस होता है। आयनिक यौगिक कैसे होते हैं हमारे, क्रिस्टली ठोस होते हैं। क्रिस्टली क्या होते हैं भैया, ठोस होते हैं और जिनकी त्रिविम संरचना पाई जाती है, जिनकी क्या होती है, त्रिविम संरचना होती है, त्रिविम 3D बोल सकते हैं, त्रिविम है ना संरचना होती है, संरचना होती है और इनके गुण कैसे होती है भाई, अदैशिक होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग दिशा में अलग अलग गुण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। इस कारण से ये कैसे होती है, अदैशिक प्रकृति की होती हैं या अदैशिकता को प्रदर्शित करती हैं। तो ये हो गया आपका अदैशिक। चलिए हम चलते हैं फोर्थ नंबर। ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि विद्युत चालकता, यदि हम आयनिक ठोस की बात करें तो आयनिक जो ठोस होते हैं ये ठोस अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं ये, कुचालक। लेकिन जैसे ही आयनिक यौगिक को पानी में क्या कर देते हैं, घोल देते हैं या पिघला देते हैं, उसी स्थिति में विद्युत के क्या हो जाते हैं, सुचालक हो जाते हैं। तो कोई भी आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक और जलीय अवस्था या पिघली अवस्था में क्या होते हैं, सुचालक होते हैं।
क्यों? क्योंकि जैसे ही क्या होते हैं वो पिघली अवस्था में चले जाते हैं, हमारे क्या होते हैं जो जो आयनिक ठोस होते हैं उनके आयन क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करने लगते हैं, स्थानांतरण या चालन करने लगते हैं और वो विद्युत के सुचालकता को प्रदर्शित करते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं आयनिक ठोस जब क्या होता है ठोस अवस्था में होता है तो कुचालक इसलिए होता है क्योंकि उनके कण काफ़ी तगड़े आकर्षण बल से बंधे होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को लाने ले जाने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। लेकिन जैसे ही वो जली विलयन बनाते हैं उनके इलेक्ट्रॉन है ना या उनके आयन फ्री हो जाते हैं और वो फिर विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह ला और ले जा सकते हैं। यही वजह है कि ये जली अवस्था में सुचालक और ठोस अवस्था में क्या होते हैं आपके कुचालक होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि क्या कारण है कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक और जली अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जो हमारे आयनिक यौगिक हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं और जली अवस्था में सुचालक होते हैं, क्योंकि जलीय अवस्था में क्या होते हैं हमारे आयनिक यौगिक के आयन क्या हो जाते हैं आपके स्वतंत्र हो जाते हैं और फिर वो विद्युत धारा को लाने और ले जाने के लिए क्या हो जाते हैं उपलब्ध हो जाते हैं। यही वजह है कि वो जलीय अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं सुचालक होते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट हम क्या कर सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं लेकिन जली या पिघली अवस्था में क्या होते हैं भैया सुचालक होते हैं। पिघली अवस्था अथवा जली अवस्था में विद्युत के सुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि पिघली अवस्था में आयनिक यौगिक के कण स्वतंत्र हो जाते हैं और है ना इलेक्ट्रॉन को लाने ले जाने के लिए है ना और लाने ले जाने स्वतंत्र होते हैं और इलेक्ट्रॉन को लाने या एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण लाने ले जाने। तो यहाँ क्या होते हैं पिघली अवस्था में आयनिक यौगिक के कण स्वतंत्र होते हैं और इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं स्थानांतरण कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं इसको बता सकते हैं। तो विद्युत चालकता भाई आपको क्वेश्चन आएगा कि जलीय अवस्था में क्यों सुचालक होता है ऐसे करके, तो बताना जलीय अवस्था में सुचालक होता है क्योंकि जलीय अवस्था में आयनिक यौगिक के जो आयन होते हैं फ्री हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉनों को कहीं भी क्या कर सकते हैं ला और ले जा सकते हैं। यही वजह है कि वो क्या होते हैं आपके सुचालकता को प्रदर्शित करते हैं। कई पॉइंट हो गया 4 पॉइंट। चलिए एक आध पॉइंट और देखते हैं और फिर आगे हम लोग क्या करते हैं बढ़ते हैं। आयनिक अभिक्रिया की बात करें, आयनिक अभिक्रिया की 5वां नंबर बात करें तो आयनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं हमारे, तो कोई भी आयनिक ठोस जो होते हैं ठोस अवस्था में जो है आयनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं लेकिन जलीय अवस्था में क्या करते हैं आयनिक अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं है ना आयनिक ठोस
या आयनिक यौगिक जलीय अवस्था में, किस अवस्था में भाई, जलीय अवस्था में आयनिक अभिक्रिया देते हैं, है ना। तो ये हम लिख सकते हैं कि आयनिक यौगिक जलीय अवस्था में क्या देते हैं भाई, आयनिक अभिक्रिया देते हैं, क्योंकि जलीय अवस्था में उनके आयन क्या होते हैं आपके, फ्री होते हैं। जैसे मेरे पास मान ले दिया है AgNO3, ये एक्वा सोलूशन है हमारा, जलीय अवस्था में है, और उसी प्रकार दिया है NaCl, ये भी हमारा मान लो एक्वा अवस्था है, जलीय अवस्था में है। तो इस स्थिति में इनके आयन क्या होते हैं आपके, फ्री होते हैं, और फ्री होने के कारण क्या होते हैं आपके, ये आपका अभिक्रिया देते हैं। जैसे यहाँ से बनाएंगे तो AgCl, क्योंकि प्लस को पहले लिखते हैं माइनस को बाद में लिखते हैं, इसी प्रकार NaNO3, तो ये आसानी से क्या हो जाते हैं आपका, क्रिया दे जाते हैं। तो कोई भी आयनिक यौगिक जो है जलीय अवस्था या पिघली अवस्था में क्या होते हैं आपके, आयनिक अभिक्रिया देते हैं, क्योंकि उस दौरान उनके आयन्स क्या होते हैं आपके, फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, है ना भाई। अब कुत्ता को बांध दिए हो रस्सी में तो उसको फिर किसी को दौड़ाओ रहे तो थोड़ी दौड़ाएगा, है नहीं, जैसे ही उसको छोड़ोगे फिर उसको दौड़ाने स्टार्ट करेगा। तो वैसे क्या होते हैं, जब वो ठोस अवस्था में होते हैं तो बेचारा बंधे रहते हैं कण, और जैसे ही पानी में घोल देते हैं कण क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, फिर तो मारपीट करेंगे ही वो लोग। तो इस वजह से जलीय अवस्था में क्या होते हैं आपके, आयनिक क्रिया देते हैं। तो इसमें इतना ही पॉइंट हमको लिख सकते हैं भाई। आगे हमारा कठोरता और भंगुरता की अगर हम बात करें, तो हमारा जो आयनिक ठोस होते हैं कठोर और भंगुर दोनों प्रकृति के होते हैं भाई, है ना, क्या होते हैं हमारे, कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, इतना ही लिखना है कि आयनिक यौगिक कैसे होते हैं भाई, कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। अब सभी आयनिक यौगिक नहीं होते हैं भाई, कठोर और क्या दिया है हमारा, भंगुर प्रकृति के होते हैं। अब वो कठोर या भंगुर प्रकृति के क्यों होते हैं, मान लो क्वेश्चन आ गया कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं, कठोर होते हैं, क्यों, तो आप बता सकते हैं आयनिक यौगिक कठोर इसलिए होते हैं क्योंकि इनके जो आयन्स हैं, क्योंकि इनके जो क्या है आयन्स हैं, वो एक दूसरे के साथ किससे बंधे होते हैं भाई, प्रबल आकर्षण बल से क्या होते हैं आपके, बंधे होते हैं, प्रबल आकर्षण बल से जो है ये बंधे होते हैं, या इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल क्या होता है पाया जाता है। यही वजह है कि हमारा आयनिक ठोस क्या होते हैं, कठोर प्रकृति के होते हैं। भंगुर मतलब क्या होता है, जिसको इस प्रकार जैसे नमक को बड़ा नमक मसल देते हैं तो टूट जाता है, उसको भंगुर प्रकृति बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि आयनिक जो ठोस होते हैं वो आपके कठोर होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। अब मान ले क्वेश्चन आता है कि आयनिक ठोस कठोर होते हैं क्यों, तो आपको बताना है कि आयनिक ठोस कठोर होते हैं क्योंकि इनके जो कण होते हैं वो एक दूसरे के साथ प्रबल आकर्षण बल से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। यही वजह है कि वो क्या होते हैं आपके, कठोर होते हैं। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं भाई। चलिए, एक 7 नंबर और अंतिम नंबर है हमारा इसके गुण के, है ना, और साथ ही साथ आयनिक बंध के, तो उसको देखते हैं। वो है विलयता। विलयता मतलब क्या होता है, घुलनशीलता बोल सकते हैं, है ना। तो अगर हम आयनिक यौगिक की बात करें तो आयनिक यौगिक जो होता है वो ध्रुवी विलायक में क्या होता है, विलेय होता है। ध्रुवी विलायक में क्या है, विलेय होता है। अब दो प्रकार का विलायक होता है भाई, एक ध्रुवी विलायक और एक क्या होता है हमारा, अध्रुवी विलायक। ध्रुवी का मतलब होता है जैसे पानी, क्या है हमारा, पानी। ध्रुवी में क्या होता है, दो आयन्स प्रेजेंट रहता है उसमें, आयन पहले से प्रेजेंट रहता है। जैसे ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है, इसलिए साधारण इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर खींच लिया, इधर से भी इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो इसमें कौन सा चार्ज है, माइनस, इसमें कौन सा प्लस, और ये हो गया प्लस। तो इसमें आयन मौजूद है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवी विलायक कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ किसका, जैसे बेंजीन का बात करता हूँ, बेंजीन का फार्मूला ऐसा होता है, ये बेंजीन का फार्मूला है हमारा, है ना, जिसका सामान्य स्ट्रक्चर अगर फार्मूला की बात करें तो C6H6 ये बेंजीन होता है, और लिखते वक्त इसको इस प्रकार से क्या किया जाता है आपका, लिखा जाता है। तो जो बेंजीन होता है ना, इसमें किसी प्रकार का कोई आयन नहीं पाया जाता है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन सब क्या होता है हमारा, एक समान विद्युत ऋणता को प्रदर्शित करता है। तो इस कारण से हमारा इसमें न तो प्लस और न ही माइनस होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अध्रुवी विलायक कहते हैं, ठीक है।
तो चूंकि हमारा क्या होता है, विलायक दो प्रकार हो गया, ध्रुवी और अध्रुवी। ध्रुव में आयंस रहते हैं और अध्रुव में कोई आयंस नहीं रहते हैं, ठीक है। चूंकि हमारा आयनिक यौगिक जो होता है उसमें क्या होता है, आयंस पाए जाते हैं, इस कारण से हमारे जितने भी ध्रुवीय यौगिक हैं या हमारे जो आयनिक यौगिक हैं वो किस में घुलते हैं, हमारे ध्रुवी विलायक में क्या हो जाते हैं, आपके घुलते हैं। अध्रुवी विलायक में इसको हम लोग नहीं घोल सकते हैं भाई, है ना। मतलब हमारा आयनिक यौगिक किस में घुलता है, हमारा आयनिक जो यौगिक है ये आयनिक यौगिक किस में घुलते हैं, हमारे ध्रुवी विलायक में घुलते हैं। क्योंकि भाई भाई हो जाता है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसके प्लस इसके माइनस के साथ क्या कर लेता है, आपका एक बंध बना लेता है, ठीक है। और इस वजह से हमारा आयनिक यौगिक ध्रुवी विलायक में क्या होता है, विलय होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक ध्रुवीय ध्रुवीय विलायक 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 में क्या है, हमारा विलय होते हैं, विलय होते हैं, विलय होते हैं, है ना। और अध्रुवी विलायक में अविलय होते हैं, अध्रुवी विलायक में क्या होता है भाई, अविलय होते हैं, अविलय होते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं कि आयनिक यौगिक किस में घुलता है, ध्रुवी विलायक में होता है। जैसे पानी है ध्रुवी विलायक है, तो इस ध्रुवी विलायक में क्या होता है, हमारा आयनिक यौगिक घुल सकता है, अध्रुवी विलायक में नहीं घुलता है, ठीक है। मिट्टी तेल में डाल के देखो आप, पेट्रोल में डाल के देखो आप, है ना, या बेंजीन में डाल के देखो, नमक को नहीं घुलता है। तो सॉल्युबिलिटी में ये हो गया कि आयनिक यौगिक किस में घुलता है, ध्रुवी विलायक में ही घुलता है, ठीक है। उसके अलावा विलायक और किस किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है भाई, तो विलायक जो है आपका दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक होता है जालक ऊर्जा, एक क्या होता है हमारा जालक ऊर्जा, और एक होता है हमारा विलायकन ऊर्जा। एक क्या होता है हमारा विलायकन ऊर्जा। तो दो चीज़ों पर और क्या करता है, हमारा जो विलयता है वो क्या करता है, आपका प्रभावित करता है। अगर किसी भी हमारा क्या होता है, जो आयनिक यौगिक होता है उसका जालक ऊर्जा ज़्यादा हो और विलायकन ऊर्जा अगर क्या हो, कम हो, तो उस स्थिति में आपका जो है आयनिक यौगिक क्या होता है, किसी भी विलायक में क्या होता है, आपका अविलय होता है। और अगर मैं बात करता हूँ जालक ऊर्जा का मान अगर आपका क्या होता है, आपका कम होता है, और विलायकन ऊर्जा क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है, है ना, तो उस स्थिति में वह पदार्थ किसी भी विलायक में क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर जालक ऊर्जा ज़्यादा है, विलायकन ऊर्जा कम है, तो वह पदार्थ पानी में या किसी भी विलायक में अविलय होगा, और जालक ऊर्जा अगर क्या है आपका कम है, जालक ऊर्जा क्या है आपका कम है, और विलायकन ऊर्जा क्या है ज़्यादा है, तो वहाँ पर पदार्थ क्या हो जाता है, घुल जाता है। अब आपको यहाँ पर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ विलायकन ऊर्जा क्या होता है और जालक ऊर्जा क्या होता है। तो जालक ऊर्जा तो मैं पहले आपको क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, विलायकन ऊर्जा आपको बताना है भाई, ठीक है। तो जालक ऊर्जा तो मैं आपको बताया कि कोई भी आयनिक जो क्या होता है हमारा आयनिक जो यौगिक बनता है, तो वो जिस परमाणु से बनता है उसके बनने पर क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होता है, वो जालक ऊर्जा कहलाता है। अब जालक ऊर्जा को एक तरीका से और क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं, ठीक है। वो कैसा है यहाँ पर समझो, जैसे हमने लिया नमक, क्या लिया हमने, नमक, ठीक है। जालक ऊर्जा की एक और परिभाषा है, एक तो ये क्या होता है हमारा, मैंने आपको ये बताया कि जैसे नमक किससे बनता है, Na प्लस और Cl माइनस से बनता है, ठीक है। तो ये हमारा नमक बन गया, तो इससे जो ऊर्जा मुक्त होता है उसको हमको क्या बोलते हैं, उसको जालक ऊर्जा कहते हैं। इसका जस्ट मैं अपोजिट कर दूं, अगर क्या अपोजिट कर दूं कि अगर ये क्या हो जाता है NaCl अगर किसमें टूट जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, तो इसके लिए कुछ ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है, उसको भी हम क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। और ये जो जालक ऊर्जा होता है इसको U से ही दर्शाते हैं, बट इसको किससे दर्शाते हैं, वहाँ पर प्लस U से दर्शाते हैं, क्योंकि ऊर्जा ले रहा है तो प्लस से, और ऊर्जा दे रहा है तो पहले वाला को माइनस से। तो इसको दोनों तरीका से जालक ऊर्जा को परिभाषित करते हैं। यदि कोई आयनिक यौगिक है और उस आयनिक यौगिक को उनके अगर किसमें तोड़ दिया जाता है, आपका अवयवी कणों में तोड़ दिया जाता है, तो आवश्यक ऊर्जा उसका क्या कहलाता है, जालक ऊर्जा। या ये बोल सकते हैं किसी आयनिक यौगिक को जब उनके आयनों से बनाया जाता है तो मुक्त ऊर्जा क्या कहलाता है, आपका जालक ऊर्जा कहलाता है। तो जालक ऊर्जा को दोनों तरीका से क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा क्या होता है, जो नमक होता है
इस नमक को जब क्या किया जाता है, पानी में क्या किया जाता है भाई, घोला जाता है। पानी में क्या किया जाता है, घोला जाता है। तो जैसे ही नमक को पानी में घोलते हैं तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाता है, तोड़ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नमक क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो इसके लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होता है, तो क्या कहलाता है, जालक ऊर्जा। तो जब नमक पानी में जा करके क्या हो जाता है, जब टूट जाता है, तो वहाँ पर कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होता है और वो आपका क्या कहलाता है, जालक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये टूट गया तो यहाँ पर जालक ऊर्जा उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब ये क्या करता है, पानी में कितना होते हैं, दो भाग होते हैं, कौन कौन से, एक माइनस और एक क्या होता है आपका प्लस, और ये होता है आपका प्लस। तो इसका जो प्लस होता है इसके माइनस के साथ, और क्लोरीन जो होता है जो कि माइनस वाला होता है, ये माइनस वाला भाग जो होता है वो इसके प्लस के साथ बंद बना लेता है। क्लोरीन किसके साथ, पानी के जो है प्लस के साथ, और सोडियम जो होता है वो पानी के माइनस के साथ बंद बना करके एक नया यौगिक बनाता है, बोल सकते हैं। तो वहाँ पर देखो एक टूट रहा है, तो वहाँ पर जो ऊर्जा लग रहा है वो जालक ऊर्जा, और ये टूटने के पश्चात पानी के साथ फिर से एक नया बंध बना रहा है, फिर से नया यौगिक बना रहा है। तो उससे जो ऊर्जा मुक्त होता है उसको जल योजन ऊर्जा, या इसी को हम लोग बोलते हैं विलायकन ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा हमारा, विलायकन ऊर्जा कहा जाता है। और दोनों ऊर्जा एक ही जगह बनता है, और दोनों में कंपेयर किया जाता है कि जालक ऊर्जा ज़्यादा है या विलायकन ऊर्जा ज़्यादा है। यदि जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा हो जाता है विलायकन ऊर्जा से, तो वह पदार्थ उसमें घुलता नहीं है, और अगर जालक ऊर्जा का मान कम पड़ता है किससे, विलायकन ऊर्जा से, तो वह पदार्थ उसमें घुल जाता है। तो एक कहानी एक ही में ख़त्म होता है, किस में ख़त्म होता है भाई हमारा, ये कहानी दोनों के दोनों जो होता है वो आपके गिलास पे जो है नमक घोलो तो दोनों चीज़ निकलता है। वहाँ नमक को आप क्या कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं किस में, गिलास में, तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, नमक हमारा क्या कर रहा है, टूट रहा है, तो उससे क्या उत्पन्न हो रहा है, जालक ऊर्जा। और नमक पानी के साथ फिर से जुड़ रहा है तो वहाँ पर भी ऊर्जा मुक्त हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग विलायकन ऊर्जा। क्यों, क्योंकि जो नमक के जो कण होता है, ये नमक के कण पानी के साथ मिल रहा है, घुल रहा है, तो उससे ऊर्जा मुक्त होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलायकन ऊर्जा। अब दोनों ऊर्जा का क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, जिनका मान अगर जालक ऊर्जा ज़्यादा हो जाए किससे, विलायकन ऊर्जा से, तो पदार्थ अविलेय, अगर जालक ऊर्जा कम हो जाए विलायकन ऊर्जा से, तो पदार्थ विलेय होता है। अब जो है जालक ऊर्जा और विलायकन ऊर्जा के आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन, जैसे हमारा यहाँ पर दिया गया है कि बेरियम सल्फेट BaSO4 जल में अविलेय है, जल में क्या है, अविलेय है, अविलेय है, अविलेय है, जबकि मैग्नीशियम सल्फेट जल में क्या है, विलेय है, क्यों, ऐसा करके क्वेश्चन आ गया। तो आपको इनका आंसर इन्हीं के आधार पर देना है, किसके आधार पर, जो ऊपर पढ़े उसके आधार पर, कि बेरियम सल्फेट जल में अविलेय है क्योंकि उनका जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा और विलायकन ऊर्जा का मान कम होता है। जबकि मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट का जालक ऊर्जा का मान कम और विलायकन ऊर्जा का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए वो जल में क्या है आपका, घुलनशील है। तो इस तरीका से इसका क्वेश्चन का आंसर क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है, और ये क्वेश्चन आपको 11वीं क्लास में पूछता भी है। तो इस तरीका से ये सॉल्युबिलिटी को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, आने वाला जो क्लास है उसमें हम फिर सहसंयोजी बंध के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं भी। ठीक है, आज के क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं।